हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सेकंड चैप्टर ऑफ यूनिट टू ऑफ ग्रेट फिफ्थ द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्लाइंग टुगेदर बच्चों आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है साथ में उड़ना इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड वी आर गोइंग टू नो हाउ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स Saved their life from a hunter by working together and listening to one of the wise old birds. Now let us read and understand the story. Deep in a forest stood a very tall tree, its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. दे फेल सेव दे वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट दुट ऑफ दी ही टू दर्ड्स अबाउट इट अब तक इस स्टोरी में बताया गया है कि एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था और उस पेड़ पर एक हंसों का ग्रुप या झुंड रहता था उनमें एक बुद्धिमान बूढ़ा हंस था एक दिन उस हंस ने एक क्रीपर को मींस एक बेल को पेड़ के पास देखा और उसके बारे में बाकी हंसों से बात की डू यू सी दैट क्रीपर ही सेड टू इज सो स्मॉल

से पूछा कि हमें उसे क्यों नष्ट करना चाहिए वह तो बहुत छोटा है और उससे हमें क्या खतरा उनकी यह बात सुनकर बूढ़ा हंस बोला यह बड़ी हो जाएगी और जैसे जैसे ये पेड़ पर चढ़ेगी वह और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वट ऑफ दैट आस्ट द गीज वॉट हार्म कैन क्रीपर

तब वह बुद्धिमान हंस कहता है कि जब यह क्रीपर बड़ा हो जाएगा तब कोई हंटर इस पेड़ पर आ जाएगा और हमें मार डालेगा वेल दे इज नो हरी दे रिप्लाइड द क्रीपर इज वेरी स्मॉल इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय नाउ उस ओल्ड हंस की बात सुनने के बाद वे हंस कहते हैं कि यह क्रीपर अभी बहुत स्मॉल है और इसे हार्म करना बहुत दुख की बात होगी डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग द ओल्ड बर्ड एडवाइस नो इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट इस पर वह बूढ़ा हंस कहता है कि इसे अभी फिनिश कर दो अभी यह सॉफ्ट है टेंडर है टेंडर मीन्स सॉफ्ट और इजिली कट हो जाएगा बाद में वह हार्ड हो जाएगा और आप उसे कट नहीं कर पाओगे वी विल सी वी विल सी आंसर द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय क्रीपर दे फॉरगेट द वॉस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस हम देख लेंगे हम देख लेंगे ऐसा बाकी बर्ड्स कहते हैं लेकिन वह उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते और वह सब भूल जाते हैं उस ओल्ड हंस की बात को ऐज द क्रीपर ग्रो इट बिगैन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री स्ट्रोंगर एंड स्ट्रांगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप जैसे जैसे वह क्रीपर ग्रो करता जाता है वैसे वैसे वह उस पेड़ के चारों ओर चारों तरफ लपेटने लगता है और वह रोप जैसा थिक और स्ट्रांग हो जाता है धीरे धीरे One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese lay, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. एक सुबह जब हंस खाने की तलाश में गए थे तब एक हंटर जंगल में आया उसने अपने आप से कहा अच्छा यह घर है उन हंसों का आज शाम आज इवनिंग में जब वे वापस आएंगे तब मैं उन्हें पकड़ लूंगा हंटर क्लाइंट अप द ट्री विद हेल्प ऑफ द क्रीपर ही गोट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे फिर हंटर उस क्रीपर की हेल्प से ट्रीपर चढ़कर अपना जाल बिछाकर वापिस चला जाता है इन द इवनिंग दीज रिटर्न होम दे डिड नॉट नोटिस द नेट बट एज दे ट्री देर ट्रैप्ड दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुर कॉट इन दंटर्स नेट ओह वॉट शेल वी डू इवनिंग में जब सारी बर्ड्स ट्री पर आते हैं वापस तब वे सब जाल में फंस जाते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं जाल से निकलने की वो हेल्प हेल्प के लिए भी चिल्लाते वो दूसरों से कहते कोई मेरी मदद करो हमारी मदद करो हम फंस गए हैं हंटर के जाल में कोई तो प्लीज हमारी मदद करो डोंट मेक अपट द वॉस ओल्ड बर्ड लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट नाउ सी वॉट हैजेंड टो फिर वह बुद्धिमान हंस कहता है Don't make a mess. मत। मैंने तुमसे पहले कहा था कि इस क्रीपर को डैमेज कर दो पर तुमने मेरी बात नहीं मानी अब कल हंटर आएगा और हम सबको मार देगा We were foolish," wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do." सारी बर्ड्स रोते हुए सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि हम फूलिश थे जो हमने आपकी बात नहीं मानी. अब आप बताइए कि हम क्या करें. Then listen carefully," replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. just lie still the hunter will not want dead birds he will throw us to the ground it will then be easy for him to climb down collect the birds and take them home उनकी बात सुनकर वाइज बर्ड कहता है कि कल जब हंटर आए तो तुम लोग बिल्कुल मत हिलना ऐसा शो करना कि तुम सब मर गए हो और हंटर हमें ग्राउंड पर फेंक देगा फिर फे वह पेड़ से उतरकर हमें कलेक्ट कर के घर ले जाएगा वेन द लास्ट ऑफ us हैज बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे और जब हंटर लास्ट बर्ड को ग्राउंड पर थ्रो करेगा तब हम सब जल्दी से उठकर उड़ जाएंगे इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ब अप नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर पेड़ के पास आता है और पेड़ पर चढ़ता है और को में फंसा हुआ देखता है। अरे ये सब तो मर गई हैं उसने अपने आप से धीरे से कहा मटर मीन्स टू स्पीक स्लोली ही थ्रू आउट ऑफ द नेट वन बाई वन और वो उन्हें निकाल के नेट से एक एक करके जमीन पे फेंकने लगा द बर्ड्स जमीन पे चुपचाप लेटी रही, पड़ी रही जब तक कि लास्ट वाली बर्ड नेट से निकाल के हंटर ने फेंक नहीं दी जमीन पे देन ऑल एट वंस दे गॉट अप फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे फिर सारी बर्ड्स एक साथ उठी उन्होंने अपने ंग्स को अप एंड डाउन फ्लैप किया और वो उड़ गई फ्लैप मीन्स मूव विंग्स अप एंड डाउन द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉश्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे और हंटर सरप्राइज रह गया वह ट्री के ऊपर से ही उन बर्ड्स को फ्लाई करता हुआ देखता रहा मॉडल ऑफ द स्टोरी Is that we should listen to our elders and we should do work in teams so that we can be successful. Hope, students, this chapter is clear to you. Now read it twice or thrice at home so that you can understand this chapter in a much better way. Thank you.